ठीक है, ओके, वेट फॉर 5 मिनट्स, देन वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। कितने लोग बाकी आने हैं अभी? 43 मिनट्स। कितने लोग आए हुए हैं? 35 दिखाई दे रहे हैं। एवरीबडी प्रेजेंट? यू वेट फॉर मी, आई एम स्टिल 3 मिनट्स। फिर एक बार उसका आंसर दिखा दीजिए जो सुबह क्वेश्चन दिया था आपने। हाँ मैं वो करूँगा, अभी अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस पीपल, इसका आंसर आना चाहिए। आप चलो ठीक है, यू वांट टू सी तो देख लो, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आपका आंसर आना चाहिए 48°25.3, 179°58.7। यस सर, यही आ रहा है सर। परफेक्ट, ठीक है, बट लेट अस डू विद द अदर पीपल ऑल्सो, थोड़ा सा देर मस्ट बी सम पीपल हु थोड़ा लैग करेंगे, तो दे वी हैव टू क्लियर बिकॉज पिकअप कर लेंगे फॉर दे ऑल्सो बिकम लाइक यू, फटाक से सॉल्व कर दिया, नॉट ए बिग डी, और टाइम लगता है। स्टार्ट करें हम, शुड आई स्टार्ट? कितने लोग आ गए? 36, 37। चालू करें? जवाब नहीं दे रहे भैया? यस सर, यस सर। ओके गुड, ओके, दिस वॉज द क्वेश्चन विच आई गेव यू, इसको नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ पहली चीज, फ्यू थिंग्स यू हैव टू बेयर इन माइंड, पहले तो लिखो विच पोजिशन टू कहाँ से कैसे, पहले ये है ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड, मतलब इसकी पोजिशन होगी टू ड्रॉ द पोजिशन लाइन 48°24' नॉर्थ, 175.4 मिनट्स वेस्ट, एजीमथ 030, तो पी एल क्या होगी?
plus 90 to 120 and 300. यही हुई ना, 300. Okay, second position. ये intercept that will be drawn from this dr latitude dr long. वहां से आप बैठे. Now thing is, मैंने कहा था जिसको पहले प्लॉट कर, because see we are creating a chart. Okay, well हमने स्केल ले लिया 1 centimeter 1 mile. Well and good, you have done that. But we require a reference also. रेफरेंस कौन सा, किसको, किसी एक को, जिसको अभी रेफरेंस पहले बनाना चाहते, जिसको पहले प्लॉट करना चाहते उसको पहले लिखो. ऐसा कोई फिक्स नहीं कि पहले कोई पहले प्लॉट करो, आप दूसरे को प्लॉट करो, कंसीडर दैट रेफरेंस. लेकिन डीलेट उसको मान लो इसको लिखते हो तो डीलेट इतना नॉर्थ आता है या साउथ आता है, उसको लिखोगे तो उतना नॉर्थ आता है तो इसको साउथ आएगा. यदि डिपार्चर इसमें ईस्ट आता है तो उसमें वेस्ट आएगा, उल्टा करोगे दैट नथिंग. या तो पहले इसको प्लॉट करो या पहले इसको प्लॉट करो, डजंट मैटर. जिसको भी पहले प्लॉट करो उसको पहले लिखो. ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, हम लेट अस कंसीडर, वी कंसीडर दिस एज फर्स्ट पोजीशन टू प्लॉट. तो वी विल राइट दिस एंड वी विल फाइंड आउट हाउ मेनी नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट द सेकंड पोजीशन लाइन लाइज. पोजीशन ड्रॉ द सेकंड पोजीशन लाइन लाइज. ओके, नाउ रिमेंबर दिस इज डी आर लैटिट्यूड ऑब्जर्व लॉन्ग, दिस इज इंटरसेप्ट. ठीक है, तो लेट अस राइट डाउन, फाइंड डीलेट डिपार्चर. पहली चीज जो भी हमने ये लिखा, दिस इज द फर्स्ट पोजिशन लाइन, पोजिशन टू ड्रॉ द फर्स्ट स्पीयर. कहाँ से ड्रॉ करेंगे, दिस डी आर लैटिट्यूड और डी आर लॉन्ग ऑब्जर्व. ओके, तो यहाँ डी आर लैटिट्यूड ऑब्जर्व लॉन्ग. देन वी हैव अ सेकेंड पोजिशन इंटरसेप्ट, उसके लिए डी आर लैटिट्यूड डी आर लॉन्ग. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस फर्स्ट स्पीयर as reference, so this should be plotted first. इसीलिए हम इसको पहले लिखते हैं. Now we find out how many minutes north or south, how many miles north or south, or east or west, the second position draw the second PL line. तो हमको क्या मिलेगा पहले, डी लेट मिलेगा. ओके, जीरो, सेम लैटिट्यूड. वी हैव गॉट दिस लॉन्गिट्यूड, इट इज नॉट माइल्स, इट इज द एंगल एट द पोल और आर्क ऑफ इक्वेटर contained between these meridian. We require east-west distance. हमने पहला question किया था, how did we find? Departure is equal to d long into cos of latitude, mean lat of the यहाँ latitude. We find out departure. इसका मतलब on the same or parallel of latitude you will draw the second position, but at a distance of 3.7 miles west of, सब कैलकुलेट करके निकालो, 3.7 माइल वेस्ट ऑफ द फर्स्ट पोजीशन, फ्रॉम दिस पोजीशन इसकी मेरिडियन होगी 3.7 माइल वेस्ट होगी. यहां हो गया, हाँ सर हो गया. ओके, नाउ लेट्स गो. हमको पहली पोजीशन पहले प्लॉट करनी है. बताओ, शीट योर पेपर, create, write down 1 centimeter 1 mile. आपने लिख लिया 1 centimeter 1 mile. ठीक है, जो भी है अभी 1 centimeter 1 mile अपने हिसाब से choose करो. अभी let's take 1 centimeter 1 mile. 1 centimeter equal to 1 mile. ठीक है, okay. Now first position कहाँ plot की जाएगी, sheet के ऊपर है. आपको पहली position as a reference plot करनी है. Of course, daylight कुछ नहीं है तो we can middle में कहीं plot कर सकते हैं, north south में उसकी जरूरत नहीं. Departure क्या है, 3.7 minutes west. As I said, don't see this latitude, longitude. See this departure. Departure west है, मतलब कि that position line lies, meridian lies 3.7 miles west. तो पहली position ने east में आई. ये ध्यान रखो, thumb rule. Don't see this. क्या देखेंगे? Departure. क्या देखेंगे? Delet. First position से कितने miles north south? Delet. कितने miles east west? Departure. यदि वेस्ट है तो पहली पोजीशन लाइन ईस्ट में आएगी, उससे 3.7 माइल वेस्ट में है. इज दैट क्लियर, एनी डाउट? नाउ राइट डाउन द स्केल. हमने बोला 1 centimeter 1 mile, यू कैन चूज योर सेल्फ वॉट एवर यू फील. ओके, पहली पोजीशन क्या है, 48 डिग्री 24 मिनट्स नॉर्थ. हमको शीट ऑफ पेपर है, इसमें कहाँ प्लॉट करें, डिपॉजिट 3.7 वेस्ट है तो हम ईस्ट में प्लॉट करेंगे. ईस्ट आप भी लिखिए, ड्रॉ कीजिए पहले.
लेट मी नो एवरीवेयर फिनिश ड्राइंग, ये ड्रॉ कर लो एंड ऑब्जर्व लॉन्ग है, पोजीशन लाइन क्या है 1 2 0 3 0 0, कहां से पास करेगा डी आर लेट इज ऑब्जर्व लॉन्ग विच वी हैव ड्रॉ. You must write down the scale, जो भी स्केल यूज कर रहे हो. I am repeating again, इसी के लिए 5 नंबर कट जाएंगे आपके if you don't write the scale. Let me know when you are drawn. Now you have to draw the position line. Yeah, I am going to draw the position line. पहली position line draw कर ली है. कंफर्म करो, हो गया? यस सर. ओके, वेरी गुड. अब सेकंड पोजीशन का लैटिट्यूड तो वही है, डी लैट जीरो है, तो सेम पैरेलल, इसी पैरेलल लैटिट्यूड पे होगा, इसी पे. बट डिपार्चर इज 4 पॉइंट्स, कितना है, कितना माइल्स, कितना 4.7 3.7 वेस्ट, 3.7 माइल वेस्ट. तो आप मेजर स्केल रखो, यहाँ स्केल रख के मेजर करो, मेजर करके 1 2 3 4, अब जब जो ऐसे यहाँ 3.7 हमने 1 2 3 3.7 मेजर करके यहाँ आए, तो हमने वहाँ that is where the your meridian will lie 3.7 miles, T long is 5.6, west of the first meridian of the first position. आपने draw कीजिए, write down this longitude. एक each step carries marks. Don't draw the figures जैसे पानीपत की लड़ाई लड़ी हुई. Everything should be clearly. The answer should be staring at the examiner. वो देख करके सीधे कुछ नहीं, he'll give the mark. But जहाँ आपने सब घचपच किया हो तो शुड बी वेरी क्लियरली विजिबल टू द एग्जामिनर. ओके, रिमेंबर इट इज एन इंटरसेप्ट. तो पहले तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया आपने. लेट अस गो बैक, क्या है, व्हाट इज द, व्हाट डिड इट से, एजीमत कितना, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, मुझे वापस जाना पड़ेगा. 335 towards 0.5. तो हम क्या करेंगे, विल गो यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ किया 335 है, 335 है, 0.5 माइल्स काट लिया है इंटरसेप्ट पॉइंट, उसके परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, ऐसे ड्रॉ की, दिस इज योर फिक्स, कीजिए. सर ये लास्ट वाला समझाना फिर से एक बार, क्या हो गया लास्ट, मतलब ये जो लास्ट वाला पीएल बनाया अभी, ये लास्ट वाला जो पीएल बनाया सर, कैसे okay, करना है ये बताइए. एक मिनट होल्ड ऑन, हमने पोजीशन, उसकी पोजीशन कौन सी है, यहां से ड्रॉ करने की, यही ना पोजीशन, क्वेश्चन देखो. यस सर इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट में क्या है, हम डीआर लैटिट्यूड डीआर लॉन्गिट्यूड लेते हैं, क्या लेते हैं डीआर, वहां से हम इंटरसेप्ट ड्रॉ करते हैं. इंटरसेप्ट का मतलब हाउ मेनी माइल्स दैट एक्चुअल पोजीशन लाइन लाइज विद रेफरेंस टू डीआर, पोजीशन कौन सी ड्रॉ करते हैं डीआर, उससे उतने माइल जो डायरेक्शन में जो एजीमथ है उसमें टुवर्ड्स अब मेजर कर लेते हैं. इसमें क्या है 335 डिग्रीज टू टुवर्ड्स 0.5 माइल्स, तो हमने एजीमथ लिया, कैलकुलेट करो उसमें, कंपास 335 डिग्री में ड्रॉ करो लाइन, और फिर 0.5 का इंटरसेप्ट काटो, काट लिया, ये पोजीशन लाइन 90 डिग्री टू दैट, ये पोजीशन
तब कर लो फिर लेट मी नो। सर इंटरफेस पे एक छोटा सा वो बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लाइन, वो क्रॉस टाइप का। कौन सा, नॉर्थ साउथ? सर इंटरसेप्ट पे बनेगी ना ये पोजीशन लाइन। हाँ पोजीशन लाइन इंटरसेप्ट। हाँ तो यहाँ आपका 335 है, ये है सिंपल की। एक मिनट मैं इसको ऐसे करता हूँ, आपने ये स्केल लिया, ओके 335 कितना हुआ, 335 आप यहाँ मेजर को 335 डिग्री, 335 ना, 335 मेजर कर लो, एक मेजर ले लो, मेजर कर 335 डिग्री, वहां से मेजर कर दिया उसके डी से प्रोट्रैक्टर से, उसे 0.5 माइल काट लिया और फिर वहां उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ द लाइन। सर ये 1 माइल आ रहा है। क्या 1 माइल आ रहा है आपका डी लैट? डी लैट 1.3 आ रहा है ये आपको 1 माइल, दैट्स ओके। कहीं थोड़ा एरर किया होगा आपने, कोई 0.5 माइल लिया है, ये डी लैट कितना 1 माइल आ रहा है, दैट्स ओके। यू हैव टू शो डिपार्चर दिखाया है, ऐसे आपको हर स्टेप को दिखाना पड़ेगा। As I said, answer should be staring at the examiner. So, her step को you have to show departure दिखाइए. Okay. Now you measure D lat. आपका सबका यही आ रहा है 1.3 के करीब. D lat. हाँ sir, यही आ रहा है 1.3. Okay. Now departure. 1.2. जो भी meridian ले लो, मैंने east वाली, I mean जो ये वाली meridian ली है, the eastern hemisphere. Departure कितना है? 1.5 miles north of that, तो ये become D-let, तो ये reference हो गया इसके, and 1.5 mile departure east of this. तो हम रेफरेंस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लिखें, राइट डाउन द रेफरेंस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, रेफरेंस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लिखें। हमारे पर डिपार्चर 1.5 है, नाउ पहले तो डीलेट डालो, हमने डीलेट डाल दिया, तो डीलेट डाला ये को हम, तो आपका डीलेट ये होगा। अब ये डी लॉन्ग आया नहीं, ये तो बिकॉज हमने वो स्लाइड में डाला, दे कैन नॉट सेपरेट दिस आउट, तो आपका ये पोजीशन आया। डिपार्चर कितना है 1.5 ईस्ट, वी कैन नॉट पुट डिपार्चर, कन्वर्ट इनटू डी लॉन्ग, तो फाइंड द मीन लैट, दोनों का मीन, मीन लैट वही है 48.4 डिग्रीज, मिनट्स नहीं है डिग्रीज है, तो डिपार्चर डिवाइड बाय कॉज ऑफ मीन लैट करो, 1.5 यही होगा, 20 कॉज ऑफ लैट 1.5 डिवाइड बाय कॉज ऑफ 48.25 2.3 minutes east आएगा, जो departure वही होगा। Now put that D long here, ये होगा। Now this longitude goes 180 degrees, 1.3 minutes east, 180 degrees से वो ये overshot। हम क्या करेंगे? 360 से घटा देंगे and change the sign। ये आंसर आना चाहिए। इसे last वाला बताना सर फिर से एक बार। कौन सा, क्या ओके, नाउ हमने क्या किया, आपका ये रेफरेंस लैटिट्यूड, डी लैट कितना है आपका, डी लैट कितना है 1.3 नॉर्थ है, तो नेचुरली डी लैट हो गया, आपको हमको डिपार्चर मिला है, वी कांट पुट डिपार्चर, वी रिक्वायर डी लॉन्ग, तो हम क्या करेंगे उसका डी लॉन्ग निकालेंगे, वी नो द मीन लैटिट्यूड, दैट द सेम लैटिट्यूड यू टेक इट, और उसको डिपार्चर अपॉन मीन लैट विल गिव यू डी लॉन्ग 2.3, ओके। नाउ 2.3 इसमें ईस्ट में और ईस्ट ऐड किया, तो हमको ये वैल्यू आई 180 डिग्री 1.3, यू हैव ओवरशॉट, जस्ट मिनट, ये आपका अर्थ है, आप फिगर ड्रॉ कर लो, ये है आपका 180 डिग्री 1.3, एक मिनट,
यहाँ कहीं आगे, मान लो ये ग्रीनविच जी ग्रीन मेरिडियन है, ये 180 डिग्री है, आप कहीं यहाँ हो, थोड़ा मैं एग्जैगरेट कर रहा हूँ फिगर, तो लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड 180 से ये ओवर शॉट हमको चाहिए ये, तो हम क्या करेंगे, वेन एवर द लॉन्गिट्यूड गोज मोर देन 180 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 360 एंड चेंज द साफ योर ओवर शॉट योर गॉन इन अदर हेमिस्फीयर, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 360 से घटा कर देंगे एंड चेंज द साइन. Is that clear? This is also कई बार किया होगा आप लोगों ने. सर डायग्राम दिखाना एक बार, सर डायग्राम. एक बार डायग्राम दिखाओ. ठीक है डायग्राम देखो. नहीं आ रहा फिगर आपका? Everybody is happy? Or let me ask, मैं ये हो गया आप लोगों का, मैं तो इसके पहले की स्लाइड भी बता दीजिएगा एक बार. वो कौन सी, ये वाली जो रेफरेंस लॉन्ग वगैरह लिया है डीआर, ये सॉरी ये मैं कहाँ आगे बढ़ गया, ये तो पहली पूछी नहीं, बहुत आगे निकल गया, ये है ये आपने डीलर डी लॉन्ग निकाला डिपार्चर निकाल, ये तो हो गया, फिर वी ड्रू दैट लाइन, ये हो गया आपका, ठीक है ये प्लॉट कर दिया आपने, देन वी हैव गॉट द पोजीशन, हमने को डीलेट मिल गया, डिपार्चर भी हो गया, ठीक है. अब हम अगली शीट पे आते हैं, रेफरेंस रेफरेंस जो भी लैटिट्यूड ले लिया ले डीलेट लगा दिया, वी गॉट द पोजीशन लैटिट्यूड, नाउ वी रिक्वायर लॉन्गिट्यूड, हमको मिला क्या है डिपार्चर, कन्वर्ट इन टू डी लॉन्ग, डी लॉन्ग में कन्वर्ट के 2.3 मिनट्स ईस्ट होगा, उसको ट्रांसफर कर दिया. Now this longitude is goal mode. आप दूसरे तरफ भी कर सकते हो, no problem. वो आप instead of taking हमने इस घर का meridian आप दूसरी तरफ लोगे, आपको directly मिल जाएगा. That is not a problem. Whenever it goes more than 180, subtract from 360 and change. The answer भी है. Sir. हाँ. सर एग्जाम में आंसर्स में कितना ऊपर नीचे तक अलाउड है, कितना चलता है? 5 माइल्स तक आ जाओ, 5 माइल्स तक अलाउड है, करोगे यू विल गेन 57.7 है, कॉन्फिडेंस 6-7 जो भी लेक्चर प्लस एडिशनल हम जो लो करेंगे सैटरडे संडे को, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें जो डाउट होता वो क्लियर कर देता, यू योरसेल्फ विल फील कॉन्फिडेंट इलेटेड, ये कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा, रेस्ट एश्योर, ओनली थिंग एक ही कंडीशन मेरी के योर प्रैक्टिस विद मी, ये खाली फोन करके करो कि हम बता रहे हैं आप लिख रहे हो, नो दैट इज यू योरसेल्फ विल डू ऑन हैंड एक्सपीरियंस, देखो कोई भी मैं बोल रहा हूँ 99.9% मैं गारंटी दे रहा हूँ यू विल क्लियर, ये स्टैगर कहीं से भी लेकर देना, बट यू हैव टू प्रैक्टिस विद मी, स्टॉप मी, जान नहीं समझ में आ रहा, आई टेल यू 10 टाइम्स नो प्रॉब्लम, बट इफ यू डोंट आस्क दैट इज इरिटेटिंग. हां सर ये लॉन्गिट्यूड अपने पहले वो कैसे लिया था एक बार फिर से बता दो प्लीज, ये लॉन्गिट्यूड अपने कैसे लिया था, 179 वाला क्यू पहले बनाया 55.4. ओके हो लेट मी गो बैक, ये फिगर है ना, ओके ये फिर मैं आगे बढ़ गया. ओके हमने ये वाला लॉन्गिट्यूड लिया, लो होल्ड होल्ड करो, मैं खाली उसी की बात कर रहा हूँ. ओके हमने क्या रेफरेंस लॉन्गिट्यूड लिया है, ये वाला कितना है 179 डिग्रीज 59
180 डिग्री आप यहां से ईस्ट चल रहे हो, यहां ईस्ट चल रहे हो, यहां ईस्ट चल रहे हो, नाउ यू आर गोइंग फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट हेमिस्फीयर में आ गए हो, बीच में 180 डिग्री है, तो आप क्रॉस करोगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यहां 180 डिग्री के किधर, ईस्ट में रहेगा कि वेस्ट में रहेगा, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, फॉर दिस रीजन ओनली आई सेड कि आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मत देखो, क्या देखोगे डीलेट डिपार्चर, यहां डिपार्चर क्या है, हमने पहले ये पोजीशन प्लॉट की, उसके बाद डिपार्चर 3.7 माइल्स वेस्ट है, तो 3.7 माइल्स वेस्ट वेस्ट ये है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, बीच में 180 डिग्री की मेरिडियन है, तो बताओ वेस्टर्न हेमिस्फीयर आपके ईस्ट में है कि वेस्ट में है, यदि आप यहां 180 डिग्री पर खड़े हो तो, बात समझ में आई? हाँ सर थोड़ी बहुत, सर थोड़ी बहुत नहीं पूरी समझते, देयर नथिंग थोड़ी बहुत, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस भाई, आप मान लो ये होता वन, ये होता 160 डिग्री 30 मिनट, 170 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है आपको चलो, चलो आप वो चीज और आ गया है 170 30 मिनट, ये हो गया 179 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ओके यहाँ फिर चल के आए तो 179 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हो गया, ये भी हो गया 179 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, भाई आप जाओगे तो मेरिडियन जब क्रॉस करोगे तो आपके ईस्ट में क्या रहेगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वहां लॉन्गिट्यूड किस उसमें वेस्ट में डिस्क्राइब कर, यहां से वेस्ट बढ़ रहा है, यहां से ईस्ट बढ़ करके यहां 180 डिग्री पे दोनों खत्म हो जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि वेन एवर यू आर रिफरिंग प्लीज डोंट सी द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, आप डीलेट और डिपार्चर देखो, डीलेट नॉर्थ है तो पहले पोजिशन साउथ में आएगी, डीलेट साउथ है पहली पोजिशन नॉर्थ में आएगी, डिपार्चर ईस्ट है पहली पोजिशन वेस्ट में आएगी, डिपार्चर वेस्ट है जैसे इस केस में तो पहली पोजिशन हमने ईस्ट में ड्रॉ की, शीट ये है आपकी, आपका ईस्ट राइट हैंड साइड में, वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, इज दैट क्लियर, इसमें थोड़ा नहीं याद पूरा समझो नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आया है, और ये बेसिक्स हैं, ए सेकंड मेट इज नॉट सपोज टू मेक दिस मिस्टेक सर, सर ये तो डिपार्चर 1.5 ईस्ट आया ना हमारा, 1.5 माइल ईस्ट आया, नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां से, नहीं, ये जो ये तो फाइनल कुछ और 1.5 मिनट ईस्ट है, सर मैं कुछ और ना कुछ और पूछ रहा हूं, ये सर डिपार्चर जो 1.5 माइल ईस्ट आया हमारा तो इसकी डायरेक्शन हमने इससे ले रखी, डीआर लॉन्ग से ले रखी ना, अब जिस जो रेफरेंस लॉन्गिट्यूड है उससे लोगे आप, उससे ईस्ट इसलिए आ रहा है डिपार्चर, इसीलिए हम इससे ले लो, आप इससे ले लो मेजर करो कितना आ रहा है, देखो आंसर वही आएगा, इससे वेस्ट से निकल लूंगा, वेस्ट से ले लो मेजर करो कितना आ रहा है, सेकंड सर मेजर करो 2.3 आ रहा सर, 2.3 मल्टीप्लाई बाय वो डिपार्चर है 2.5 2.3 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ इस लैटिट्यूड कितना 48.4 से करो कितना है 2.3 डिवाइड बाय कॉज ऑफ लैटिट्यूड कितना है 3.45 आ रहा है सर, 3.5 ले लो, 3.5 वेस्ट होगा ना सर, वो डायरेक्शन के लिए पूछ रहा हूं, उसकी डायरेक्शन वेस्ट से लेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट से लेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन में है ना सर, कितना 179 आंसर कितना है, वही आंसर है सर, डिपार्चर की जो डायरेक्शन होती है जो पोजीशन आई है फिक्स उससे लेके अपने जो इनिशियल लॉन्जिट्यूड है उधर तक वो वाली डायरेक्शन, जो भी रेफरेंस लो आप, ये रेफरेंस लोगे तो नेचुरली ये वेस्ट हो जाएगा, आप ये रेफरेंस लोगे तो ये ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट तो आपको मालूम होगा, अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इज दैट क्लियर,
मतलब हम लोग किसी भी मतलब डीआर लॉन्ग से ले सकते हैं, चाहे मतलब ईस्ट से ले चाहे वेस्ट, मतलब जो रेफरेंस मानेंगे उसके अकॉर्डिंग सर, मतलब ईस्ट या वेस्ट, फिर उसमें आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे. एग्जैक्टली, डोंट वरी कहां से कर रहे हो, बट ओनली थिंग, अब हमने ये मान लो ये वाला लिया तो नेचुरली वेस्ट होगा, आंसर वही आएगा. हमने ये लिया तो नेचुरली यहां से लिया जाएगा. भाई स्केल तो हमने ही क्रिएट किया है ना. मतलब सर ईस्ट से लेंगे तो फिर ईस्ट से तो हम लोग इधर मतलब वेस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर उधर का मतलब हम लोग ऐड कर देंगे. हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ से, हाँ ईस्ट से लोग वेस्टर्ली डायरेक्शन में तो ऐड करके ये वेस्ट है तो उसमें ऐड कर दो. ठीक है सर, अभी थोड़ा थोड़ा आया सर समझ में. थोड़ा नहीं, अभी करोगे प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा उसमें. इसीलिए पहले दो तीन दो लेक्चर हम लोग इसी पर ध्यान, देन आई विल गो टू स्टैगर्ड. ओके लेट अस डू दिस क्वेश्चन. सर ये हम लोग सर नॉर्मल पेपर पे ही करेंगे क्या, कि सर एग्जाम में मतलब ग्राफ पेपर पे अगर करे तो? नहीं नहीं नहीं, आपको नॉर्मल पेपर पे उसी पेपर पे करो, ग्राफ नहीं दिया जाता है. ओके ओके सर, ओके. नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. चलो वी विल डू दैट. यू आर सेइंग ना कि ये पोजीशन लाइन, हम देखो ये है, इन डी आर 40 degrees 01 minutes north, 110 degrees 30 minutes is following observation made simultaneously. A lighthouse in position board 320. Polaris observation observed latitude. कौन सा डी आर? ये वाला डी आर यूज किया है. Azimuth so much. Now two things. पहली चीज, ये lighthouse की position line क्या है? पोजीशन लाइन लाइट हाउस की लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? कितना होगा बेयरिंग लाइट हाउस से? 320 तो और उधर चली जाएगी बेटा, -180. ये आपकी पोजीशन लाइन होगी भाई. हमने थ्योरी ऑफ पोजीशन लाइन में आपको कराया है. लिबर्टी यू चूज कौन सा पहले प्लॉट करना है, उसको पहले ड्रॉ करेंगे. Please refer DLAT departure. Don't see refer the position. जो भी पहले position लिखो उसको पहले लिख लो, दूसरे position and DLAT departure. उसके हिसाब से हम plot करेंगे. कौन सा किसको पहले plot करना चाहते हो? सर ये 110 जो lighthouse की position है 20 मिनट east है, क्या ये 110 20 longitude क्या है? हाँ east है, east है, east है. मैंने डालो हर कहीं सर, save नहीं किया इसका. तो पहले lighthouse वाला कर ले. आप पहले लाइट हाउस जो भी आप, मैं ये बोल रहा हूँ जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि भाई देखो आप को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले को प्लॉट करो पहले दूसरे पर. लेट अस टेक लाइट हाउस ओनली, जस्ट लेट टेक लाइट हाउस. तो जो भी दैट विल बी रेफरेंस, तो उसको पहले लिखो, उसको पहले लिखो, राइट डाउन. इसमें किया होगा इसको मैंने देखा. सर एक सेकेंड सर, क्वेश्चन नोट कर रहे थे. हाँ आप देख, एक मिनट में आ जाता हूँ. एक मिनट में, आई एम कमिंग राइट बैक. ये है ना? हाँ सर एक मिनट बस लिख लें. हमारा जो होगा, यू राइट डाउन क्लियरली. यहाँ जैसे हमारा फर्स्ट पीएल, आपने पोजीशन ड्रॉ द फर्स्ट पीएल क्या है? लाइट हाउस. लाइट हाउस क्या है? 40 degrees 04.0. उसको पहले, जिसको पहले ड्रॉ कर उसको पहले लिखो. 110 degrees 20 minutes. ओके पोजीशन ड्रॉ द सेकंड पीएल कितना है? 39 degrees 55.1 minutes. Longitude 110 degrees 30 minutes east.
ओके नेचुरली हम लोग पहला इसको प्लॉट करेंगे तो इसको पहले लिखा है इसलिए सेकंड डीलर डिपार्चर बताओ कितना है 40 डिग्री 01 मिनट है ना 44 मिनट सॉरी कितना है बताइए कितना आ रहा है दोनों का सर 0.9 लाइट हाउस का पोजीशन लिया है इधर साउथ नॉर्थ साउथ सर साउथ आएगा ओके ये है आपका डी लैट डी लॉन्ग कितना आ रहा है 10 मिनट ईस्ट ओके नाउ व्हेन यू आर प्लॉटिंग हमको क्या चाहिए नॉर्थ साउथ डिस्टेंस क्या है डी लैट एंड वी रिक्वायर ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस तो ये 10 मिनट्स डी लॉन्ग है कन्वर्ट इनटू डिपार्चर डिपार्चर 38 मिनट सर 110 38 मिनट ईस्ट कहां से आया सेकंड में कहां 38 नहीं है बेटा 30 मिनट मैं लिख रहा हूं कंप्यूटर में लिख रहा हूं ये है ना 30 मिनट डीआर लैटिट्यूड डीआर लॉन्गिट्यूड लोगे ना ऑब्जर्व लैटिट्यूड डीआर लॉन्गिट्यूड लोगे ये पोलारिस है क्या ड्रॉ कर दो ऑब्जर्व लैटिट्यूड डीआर लॉन्ग वो लिखोगे कौन सा डीआर यूज किया ये डीआर यूज किया फॉर कैलकुलेशन तो कहां से ड्रॉ करोगे ऑब्जर्व लैटिट्यूड डीआर लॉन्ग बात समझ में आई तो मतलब जो डी आर है उसका हम लोग लॉन्ग लेंगे बाकी और बाकी जो लाइट हाउस का तो दिया ही हुआ है ना हाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो देखो कहाँ से हमने क्या बात किया था लॉन्ग बाय क्राउंड डी आर लैटिट्यूड ऑब्जर्व लो इंटरसेप्ट डी आर लैटिट्यूड डी आर लो एक्स मेरिडियन ऑब्जर्व लैटिट्यूड डी आर लो पोलारिस ऑब्जर्व लैटिट्यूड डी आर लो लाइट हाउस जो पोजिशन दिए उसको ड्रॉ करो लैटिट्यूड मेरिडियन ऑब्जर्व लैटिट्यूड और कोई डी आर लैटिट्यूड वी डोंट हैव टू वरी वी ऑब्जर्व लैटिट्यूड वहां पोजीशन लाइन ईस्ट वेस्ट ही होगी इट होल गो फॉर ऑल द रो ठीक है नाउ फाइंड द डिपार्चर डिपार्चर कितना है रिमेंबर आई सेड सी 6.81 6.8 वेस्ट ईस्ट सो 7.66 आ रहा मैं कर लेता हूं खुद ही 7.7.10 मिनट्स डी लॉन्ग मल्टीप्लाइड बाय कितना है 7.7 ले लो 6.8 कैसे आ गया हाँ ये डी आर लैट जब लिया उसमें तो डी आर लॉन्ग लिया अपने डी लॉन्ग निकालने के लिए किसमें डी लॉन्ग निकालने के लिए आपने एक तो डी आर लॉन्ग लिया और एक ऑब्जर्व लॉन्ग लिया ना कहाँ की बात कर रहे हो यहाँ इस क्वेश्चन में हाँ ऑब्जर्व लॉन्ग नहीं मतलब ये इसका लाइट का लॉन्गिट्यूड लिया ना ओके एक सिंपल चीज पहले फिगर को व्हेनेवर यू आर डूइंग क्वेश्चन उसको रफ में एक बार ड्रॉ कर देती हूँ क्या कह रहा है मैं इसी में यही कर देता हूँ लाइट हाउस बोर सो मच बेयरिंग 320 तो 320 कहीं यहाँ लाइट हाउस है व्हाई इज नॉट राइटिंग एक मिनट लेट मी गो देयर ओके ओके पहले रफ में ड्रॉ हमने लाइट हाउस बोर सो मच यहां से कोई लाउड रेड लाइट को बेयरिंग है ये आपके क्वेश्चन उसके बाद पोलारिस की ऑब्जर्व लैटिट्यूड सो मच ऑब्जर्व लैटिट्यूड क्या है इन डीआर ये डीआर यूज किया है कैलकुलेशन तो ऑब्जर्व पोलारिस की कहां से ड्रॉ करना है पोजीशन लाइन पोजीशन लाइन को पोलारिस कैसे ड्रॉ करते हो बताओ एनीबॉडी पोजीशन फॉर पोलारिस टू ड्रॉ द पोजीशन लाइन कहां से ड्रॉ करते हो डीआर लॉन्ग से सर डीआर लॉन्ग एंड ऑब्जर्व लैटिट्यूड वही हमने डीआर लॉन्ग एंड डीए ऑब्जर्व लैटिट्यूड एंड डीआर लॉन्ग ले लिया डीआर लॉन्ग कौन से ये दिया हुआ भाई हमको पहले दोनों पोजीशन कहां से ड्रॉ करनी है पहले वो उसको लिखना है देन वी फाइंड मान लो कहीं यहां है कहीं यहां आ रहा है तो हमने ये डी लैट मालूम कर लिया एंड डी लॉन्ग मालूम कर लिया लेकिन हमको चाहिए डिपार्चर वी कैन नॉट पुट डी लॉन्ग
जो हमने जो चार्ट क्रिएट किया है वहां लॉन्गिट्यूड का डी लॉन्ग का कोई जगह नहीं है, बिकॉज हमने उसके लिए नहीं क्रिएट किया, हमने लैटिट्यूड स्केल लिया है एंड दैट होल्ड गुड फॉर डिपार्चर। ठीक है सर, यहां डिपार्चर जो लेंगे उसमें एमलैट लेंगे कि कौन सा वाला लैटिट्यूड कितना हुआ एमलैट कितना 40 डिग्री हुआ। यस सर। हाँ 40 डिग्री ले लीजिए, दो पोजीशन है, दोनों पोजीशन का दो जगह से ले रहा हूँ, डिपाजे कहीं बीच में है, तो कितना आया आपका 7.7। ओके मींस योर सेकेंड पोजीशन लाइन दिस पोलारिस लाइज हाउ मच 8.9 माइल साउथ एंड 10 माइल ईस्ट ऑफ द फर्स्ट पोजीशन। तो पहली पोजीशन कहाँ ड्रॉ करोगे शीट में, कहाँ ड्रॉ करोगे पहली पोजीशन शीट ड्रॉ, शॉर्ट शीट पे लिखो स्केल 1 से 1 माइल। वेस्ट पे करेंगे सर, वेस्ट में करेंगे। एंड नॉर्थ साउथ में कहाँ करोगे, नॉर्थ में करोगे। वी विल प्लॉट हियर, मैं यहाँ स्केल क्रिएट कर रहा हूँ। सर लैटिट्यूड जो एमलेट ड्रॉ करेंगे, नहीं नहीं वो खाली डिपार्चर के लिए बेटा, वो खाली डिपार्चर के लिए। सर एक बार डायग्राम बना दीजिए सर, एक बार। हाँ मैं एक तो दो लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे क्या सर, हाँ दो लैटिट्यूड्स ही है ना सर अलग अलग, तो दो लाइनें आएंगी। लेट मी गो बैक, पहले इसको निकालने दो, पहले जो भी कचरा हमने किया है यहाँ ना, लेट मी क्लियर दिस। क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पढ़ो। इन्होंने कहा दो डीआर लैटिट्यूड लेंगे, हाँ डीआर डीआर, ओके डीआर using this DR, भाई आप when you are taking latitude by polaris तो क्या करते हो, आप use DR ना, LHA कैसे calculate करते हो इसका, DR longitude लेते हो ना, तभी तो latitude आएगा। तो position कहाँ से draw करते हो, observe latitude and DR long, ठीक है, ये longitude यहाँ आ जाएगा, ये longitude and lighthouse की position। तो एक lighthouse मान लो, suppose lighthouse से they have given 320, तो एक bearing 320 ये bearing You are somewhere on this line, इस line पे कहीं हो। दूसरा you have taken a position जो जिसका इसका light house के लिए 40 degrees 04 minutes and 110 degree 20 minutes east. दूसरा है you have got another position by polaris using which we got observed latitude. तो आपकी position line कहाँ से ड्रा करके 39 degrees 55 minutes one north and dr long, because naturally इसका calculation dr long use किया 110 degrees 30 minutes. तो हम क्या करेंगे, हाउ टू ड्रॉ दिस लाइन, दिस पोजीशन को कैसे ड्रॉ करोगे, इसके बीच में मालूम करो फ्रॉम दिस पोजीशन फ्रॉम दिस लाउट, क्योंकि लाइट हाउस को पहले प्लॉट कर रहे हो, जिसको पहले उसको पहले लिखो, यू आर प्लॉटिंग लाइट हाउस तो लाइट हाउस को पहले लिखो, उससे कितना मिनट्स नॉर्थ और साउथ द फर्स्ट पोजिशन लाइज। तो हमने यहाँ डाला तो उसमें हमको मिला 8 पॉइंट, हमने कितना मिला था, कितना आया था आपका 7.9 डीलेट आ गया, फिर डी लॉन्ग आया, डी लॉन्ग कितना आया 10 मिनट्स। ओके लेकिन हम डी लॉन्ग नहीं प्लॉट, हमको डिपार्चर चाहिए, तो डिपार्चर हमको 7.7 वो डी लॉन्ग इनटू कॉज ऑफ मीन लैटिट्यूड, बिकॉज दोनों के बीच में हमको तो वो 7.7 क्या होगा ईस्ट आएगा। मीन्स योर फर्स्ट सेकेंड पोजिशन विल लाई हियर 8.9 मिनट्स साउथ एंड 7.7 माइल्स ईस्ट ऑफ द फर्स्ट पोजिशन, ये जो लाइट हाउस की पोजिशन से, बात समझे? नहीं सर पता नहीं चला। सर एक बार आप डायग्राम दिखा दीजिए, उसमें पता लग जाएगा कैसे वो बनेगी। नोट करना पड़ेगा ना, लिखो ना, पहले तो लिखो राइट डाउन हियर, मैं लिखता हूँ राइट डाउन, कौन सा पहले प्लॉट करना है, पहले कौन सा लाइट हाउस, ओके राइट डाउन जिसमें लॉन्गिट्यूड लिखा था सर आपने, डी लॉन्ग वो मैं निकाल दिया ना, मैं फिर से कर देता हूँ, कुछ नहीं तो आप पोजिशन टू पोजिशन ऑफ लाइट हाउस, जो वहीं से पोजिशन ऑफ लाइट हाउस, बताओ क्या है लैटिट्यूड, बताइए यहाँ बताइए कितना 40, है
लॉन्गिट्यूड बताइए 110 डिग्रीज डिग्रीज एंड 20 मिनट्स 20 मिनट्स ईस्ट ये तो हो गई पोजीशन टू ड्रॉ द लाइट हाउस और इसका क्या आएगा 2140 होगा डिग्री पीएल यहां पीएल टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वर पीएल विल बी 140 लाइट हाउस है 140 डिग्री ठीक है ओके लेट्स डिग्री हो ठीक है ओके नाउ कम टू पोजीशन ड्रॉ द सेकंड पोजीशन टू ड्रॉ सेकंड पीएल कहां से ड्रॉ करोगे सर ये 39 डिग्रीज यहां लिख 39 डिग्रीज 55.1 मिनट्स नॉर्थ इज 55.1 ओके आपका ये सर 110 डिग्रीज 30 मिनट्स ओके जस्ट मिनट क्या हो रहा है ये होगा नॉर्थ एंड 110 हम क्या करें दोनों का डी लेटर डी लॉग निकाल लेंगे व्हाट इज द डी लेटर डी लॉग एंड इसकी पोजिशन लाइन क्या है 002 तो होगा 260 कितना है 002 ही दिया है ना हाँ सर 272 होगा शायद हाँ तो 002 होगा तो 272 एंड 092 ओके अब इसका डीलेट डिपार्चर निकालो पहले डीलेट निकालो डीलेट कितना आ रहा है भाई ये साउथ में है भाई 440 डिग्री नॉर्थ ये कितना आ रहा है 8.9 मिनट्स साउथ डी लॉन्ग कितना आ रहा है 10 मिनट्स ईस्ट 10 ईस्ट भाई हमारी सेकंड पोजीशन लाइट ये डी लेट मालूम पड़ गया चलो नॉर्थ इतना 8.9 माइल 10 मिनट्स ईस्ट है लॉन्गिट्यूड है हमको डिस्टेंस चाहिए तो हमको ये क्या हो गया जस्ट होल्ड ऑन डिस्टेंस चाहिए कन्वर्ट डिपार्ट डी लॉन्ग को डिपार्चर में कन्वर्ट कर दो यू राइट हियर Departure is equal to find the departure. Departure कितना है? Is equal to 10 into cos of mean latitude कितना है इसका? 40 degree. 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 This is angle, d long is angle. This is distance in mile. हमको angle को distance में convert करना है क्योंकि हम sheet पे distance ही plot कर सकते हैं. Is that clear? Sir, ये आपने mean lat किस किस latitude का निकाला? इन दोनों को जोड़ करके divide by 2 कर दो ना. 40 degree 4 minutes है, 39 degree 55.1 को जोड़ो, divide करो कितना है? 40 degree करीब आ रहा है ना? Take that. 39 degree 55.6. कैसे आएगा यार ट्रिपल 59.6 हो गया ये हो गया आपका ये डी लेट नाउ रिमेम्बर पहली पोजीशन कहां प्लॉट करोगे पहली पोजीशन शीट है आपके ऊपर स्केल लिखो शीट स्केल को ये याद रखना बिकॉज मैं अब दूसरे इस पे जा रहा हूं तो यू विल रिमेंबर दिस हम पहली चीज हम एक मिनट ओके न्यू स्लाइड कर दिया ये हमेशा पहले मतलब जो भी पोजीशन दी होती है वो लिखते हैं उसके बाद फिर डीआर पोजीशन लिखते हैं नहीं 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 क्या मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो
देखो दो पोजीशन आपके पास पहले लिखा था, नहीं 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 दो पोजीशन आपके पास रहेगी, दो पोजीशन पहले तो ये लिखो कि जो भी पोजीशन लाइन है उसको कहां से ड्रॉ करनी है, वो पोजीशन लाइन कहां से ड्रॉ करें, पोजीशन टू ड्रॉ द पोजीशन लाइन, वो अभी तक जितना हमने सवाल किया उसमें यही किया टू ड्रॉ द पोजीशन लाइन कहां से ड्रॉ करनी, लॉन्ग बाय प्लॉट डी आर लैटिट्यूड ऑफ द लॉन्ग, इंटरसेप्ट डी आर लैटिट्यूड डी आर लॉन्ग, फिर वहां से इंटरसेप्ट डालते हैं, एक्स मेरिडियन ऑब्जर्व लैटिट्यूड डी आर लॉन्ग, पोलारिस ऑब्जर्व लैटिट्यूड डी आर लॉन्ग, लैटिट्यूड मेरिडियन ऑल्टीट्यूड ऑब्जर्व लैटिट्यूड, तो हम मालूम करेंगे पहले तो वी विल राइट डाउन फ्रॉम वेयर टू ड्रॉ द पोजीशन लाइन बोथ द पोजीशन, हम आपके दो ही पोजीशन है, दो पोजीशन लाइन दी जाएगी, तो आपने वो लिखा पहले हमने ये ड्रॉ किया कि पहले लाइट हाउस की नेचुरल लाइट हाउस से पास हो रही तो वो पोजीशन, दूसरा पोलारिस है तो ऑब्जर्व लैटिट्यूड डी आर लॉन्ग, तो ऑब्जर्व लैटिट्यूड डी आर लॉन्ग, अब जिसको भी बिकॉज यू हैव गॉट अ प्लेन शीट ऑफ पेपर तो यू डिसाइड कि किसको पहले प्लॉट करो बिकॉज यू दैट विल बी यूज्ड एज रेफरेंस, उसके बाद तो दूसरा प्लॉट करोगे, ये बात समझ में आई, तो हमने यहाँ यू योरसेल्फ डिसाइडेड कि हम लाइट हाउस को फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट लेंगे, तो लाइट हाउस को पहले लिखो, यदि हम पोलारिस को पहले प्लॉट करते हैं पोलारिस को पहले लिखते हैं, एंड देन वी वुड हैव रिटन लाइट हाउस एंड देन वी वुड हैव गॉट अ डी लैटिट्यूड बिकॉज वी आर गेटिंग अ डिस्टेंस हाउ टू डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट हाउ मेनी माइल्स नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वी ड्रॉ दैट, तो हमने यहाँ लाइट हाउस को पहले रेफरेंस रखा, दूसरे पोजिशन डी लाइट और डी लॉन्ग मिला, नाउ वी रिक्वायर डिस्टेंस, वी डोंट वॉन्ट लॉन्गिट्यूड, डी लॉन्ग नहीं चाहिए हमको, डी लॉन्ग इज एंगल, वी वॉन्ट माइल्स, तो क्या है डिपार्चर, तो हम डी लाइट पर चल गया, हमने डिपार्चर निकाल दिया, तो पहली चीज यू विल राइट डाउन कहां से पोजीशन लाइन ड्रॉ करनी, ठीक है, तो यहां पोजीशन लाइन लाइट हाउस कहां से ड्रॉ करोगे, अब जो बेयरिंग है लाइट हाउस की पोजीशन से ड्रॉ करो, पोलारिस की कहां से ड्रॉ करोगे बताओ, पोलारिस की कहां से ड्रॉ करोगे, जवाब दो, ऑब्जर्व लैट डी आर लॉन्ग, ऑब्जर्व लैटिट्यूड डी आर लॉन्ग, उसी को लिख लिया, पहले ये चीज पहला स्टेप फाइंड आउट कहां से पोजीशन लाइन ड्रॉ करनी, उसके बाद जो भी रेफरेंस उसको पहले लिखो, लिख दिया, उसके बाद दूसरा पोजीशन लिखो, उसके बाद दोनों के बीच में नॉर्थ साउथ डिस्टेंस और ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस, ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस क्या है डिपार्चर, तो डी लॉन्ग को कन्वर्ट करो डिपार्चर में, डी लेट तो है ही हमारे पास नॉर्थ साउथ डिस्टेंस, उसको प्लॉट कर लेना, अब लेट अस गो टू प्लॉट दिस स्केल चूज किया, लेट अस से वी हैव चोजन द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 माइल, आप स्केल जरूर लिखोगे, डोंट राइट द स्केल, ओके नाउ यहां डी लेट साउथ है तो पहली पोजिशन है नॉर्थ में आगे, डिपार्चर ईस्ट है वेस्ट, ईस्ट है तो वेस्ट में होगा, तो हम यहां कहीं ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द लाइन, ये हो गया लैटिट्यूड, ये मेरिडियन, ये हो गया आपका, ये आपका लाइट हाउस पोजिशन, राइट डाउन हियर, आई हैव टू राइट डाउन द पोजिशन ऑफ लाइट हाउस, क्या है जो भी है, मैंने बताया ना कि एवरी स्टेप आंसर शुड बी ग्लेयरिंग एट द एग्जामिनर, तो हम यहां लेंगे 40 degrees 04 minutes नॉर्थ, और ये लॉन्गिट्यूड क्या है, मेमोरी धीरे धीरे हमारी 110 degrees 20 minutes 110 degrees 20 minutes ठीक है, अब यहां से आप पोजीशन लाइन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन लाइन फॉर द फ्रॉम द लाइट हाउस, 140 तो 140 मतलब 50 हमको लेना पड़ेगा, अपने स्केल से लीजिए, मैं तो अपने स्केल से ले रहा हूं तो हमारे साथ 50 आएगा क्योंकि तो हमारा मेजरमेंट ही इधर से हो रहा है, ओके आप 140 लीजिए, ये लाइट हाउस की पोजीशन हो गई, हो गया, नाउ लेट्स टेक, लेट अस मेक इट 1 सेंटीमीटर 2 माइल, लेट अस मेक इट 1 सेंटीमीटर 2 माइल, मैं कर देता हूं 2 माइल कर देता हूं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 2 माइल, ओके हमारा डी लेट कितना है, हमने कर दिया 1 सेंटीमीटर 2 माइल 8.9 हमको 1 सेंटीमीटर 2 माइल तो 8.9 माइल कितने सेंटीमीटर के बराबर हुआ, कैलकुलेटर पे डिवाइड करो,
डिवाइड बाय टू 4.45 ठीक है, आपने स्केल में लिया, लेट्स टेक होम भाई। हाँ स्केल दिखाई दे रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 4.45 यहां से ये है आपका। यहां लिखो डी लेट, सॉरी ये मैं हटा देता हूं, डी लेट प्रोबेबिलिटी, हैंडराइटिंग टेढ़ी इसलिए कि मैं उसके ऊपर लिख, डी लेट इज इक्वल टू कितना 8.9। ये तो हो गया आपका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, ये शो दैट लैटिट्यूड कितना है 39 degrees 55.1। अब यहां डिपार्चर लो, आप डिपार्चर लो यहां कहीं भी, यहां डिपार्चर ले तो कितना है? डिपार्चर कितना है 7.7 डिवाइड बाय 7.7 तो 7.7 डिवाइड बाय 2 3.85। आप 3.85 ले लीजिए, आप यहां 3.85 ले लीजिए, 1, 2, 3 point ये 4 है, 8.85 का यहाँ ये हुआ आपका, ये आपका डिपार्चर हुआ। पोजिशन टू ड्रॉ द पी एल, सॉरी ये हिल गया मेरा, आप लोग आपका मेरा ये ना स्केल शुरू, इसीलिए मैं दूसरा यूज करता हूँ। इंसिडेंटली आपकी जो पोजिशन लाइन है इसमें, इसमें इट इज पासिंग थ्रू टू दैट, तो ये आप पोजिशन लाइन यहाँ से ड्रॉ करो, कितना है 092 002 ले लो। यहाँ पोजीशन लाइन जा रही है फ्रॉम द सेम पोजीशन, या फिक्स एग्जाम बिल्कुल यहीं आ गई है। सर मेरी हल्की सी लेफ्ट में है उसके, ठीक है दैट्स ओके, बट देखना हल्की कोई बात दैट्स ओके। तो ये डील है जैसे 8.9 जो हमने बनाना था सर साउथ में, तो सर वो डीआर लॉन्जिट्यूड साहब ने कितना दूर लिया है, कौन सा 110 डिग्री 20 मिनट ईस्ट से सर कितना दूर लिया वो डीलाइट, कितना दूर बनाना है? एक मिनट ये इसको पहले किसे, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे आप सर। हमने डीलाइट प्लॉट किया ना सर 8.9 मिनट साउथ, डीलाइट 8.9 हुआ और ये डिपार्चर है, बिकॉज़ हमने स्केल क्या कर 1 सेंटीमीटर और 2 माइल कर दिया। हां तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना 7.7 माइल, लेकिन ये स्केल की में 3 point something 3.5 मेरा तो ऊपर आ रहा, कितना आ रहा है स्केल, कितना रखा है स्केल रखा तो रखा? जैसे आपका कॉन्सेप्ट करा मेरा तो ऊपर आ रहा, कितना थोड़ा सा फर्क होगा सर, ज्यादा लग रहा है काफी हो गया, नहीं कहीं एरर कर दिया बेटा कहीं एरर, बाकी सब देखो कितना तो... कैसे हो? एकदम बाजू में सर, एकदम पुनेरिस वाली पोजीशन है ये तो, प्लॉट अगेन, प्लॉट अगेन सर, ये एक बात बता दो हैंड एक्सप्लेन अपने आप को आपको समझ में आ जाए कहां गलती हुई का मेरा, क्योंकि हिल जा रहा है बिकॉज़ हम वो स्केल पे लेके, तो इसलिए थोड़ा बहुत शिफ्ट हमारी पोजीशन नहीं आएगी, मैं दूसरे से करूंगा उसे यू विल सी फॉर योरसेल्फ, पहले ये मैं हाथ से आपको करके दिखाना चाहता हूं कि कैसे करना है आपको सर, बातें तो मैं कंप्यूटर से वो निकाल करके वो पोजीशन लाइन डालूंगा, आप डाल दो पहले, आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस कि हाथ से कैसे किया जाता है, हाउ यू प्लॉट, जो हाथ से ही आपको प्लॉट करना है, ठीक है? तो यहाँ कहीं गलती होगी क्योंकि आपने स्केल, देखो स्केल वेरी केयरफुल, क्या मान लो 1 से 2 माइल लिया है, यहाँ ले लिया, यहाँ आपने 1 से 1 माइल ले लिया, नेचुरली आपकी पूरी पोजिशन सारा हर जगह, चाहे वो अपने स्केल 1 से 2 माइल तो हर जगह आप लेंगे, एंड अकॉर्डिंगली जो पोजिशन आएगी, मान लो अभी जो पोजिशन यहीं कट रही है, मान लो कहीं और कट रही होती, मान लो कहीं और, मान लो यहाँ कट रही होती, तो आपको डील है जो भी है सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो भी आता मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज वी हैव चोजन 1 सेंटीमीटर 2 माइल, ये चीज ध्यान रखना सर। 0.4 आ रहा है सर, ओह दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके,
हमारा तो बिकॉज आई हैव शेकन ना, मैं स्लाइड में मैं बता रहा हूँ शेक शेक कर रहा है, हिल गया वो तो जो स्केल ही बदल गया, वो छोटा हो गया ना, उसी स्केल पर रखना चाहिए, मैं ध्यान नहीं दिया क्या स्केल यूज कर रहा। सर एक बार दोबारा से बता दो ये सेकंड जो सेकंड पोजीशन ली उसके बाद। ओके सेकंड पोजीशन प्लॉट की आपने? सर मैंने वो 40 डिग्री 04 नॉर्थ लिया है, उसके बाद 140 बियरिंग लाइन ली, फिर डीलेट काट दिया नीचे। ओके तो दैट इज योर, दैट इज योर डीलेट काट गया, दैट इज योर पैरेलल लैटिट्यूड फॉर सेकंड पीएल 39 डिग्री 55.1। यस सर। ओके अब हमको इसके मरीडियन से हमको उसकी मरीडियन में तो डालनी है, ये तो लैटिट्यूड मिल गया बिल्कुल, हमको मरीडियन में तो डालना है उसका, उसका लॉन्गिट्यूड डालना है कि नहीं जो सेकंड पोजीशन का है? हाँ सर, डिपार्चर डिपार्चर फिर उतना करना पड़ेगा। डिपार्चर कितना है? 7.7। हाँ तो आपने स्केल कितना लिया है? उतना ही सर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 माइल। ओके तो आप 7.7 सेंटीमीटर बेजर कीजिए। Now, remember, यहां भी 8.9 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ये नहीं कि आधा कर दिया हमारे कहने पे, जो स्केल आप ले रहे हो वही लिखोगे आप, तो 7.7 सेंटीमीटर बेस आपका दूर आएगा, आंसर वही आएगा। तो सर इसमें अब जो फिक्स आएगी उसका डीलैट जीरो हो जाएगा, डीलैट जीरो हो गया, लॉन्गिट्यूड भी जीरो हो गया, ऑलमोस्ट 0.4 तो भी आ रहा है सर, डिपार्चर की वैल्यू तो आ रही है सर 0.3। हां 0.3 कौन सा स्केल पे है सर? ये वही कट करने के बाद बोल रहे हैं कि 0.3 सेंटीमीटर आप बोल रहे हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सर। 3. कितना स्केल रखा है सर? वही 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 तो 0.6 हो जाएगी नॉटिकल, 0.6 हो गया, 0.6 ली। देखो मेरा हिल गया है तो मैंने ऐसे कर दिया ना, तो हमारा हिल गया तो स्केल बदल गया, इसीलिए आई एम नॉट गिविंग आंसर। ये 7. डिपार्चर डालने के बाद आपने प्लॉट के ऊपर फिर उसका क्या करना था? उसके बाद आपने प्लॉट किया पोजीशन लाइन, ये पोजीशन लाइन, एक मिनट लेट मी टेक अंदर सेकंड पोजीशन लाइन ड्रॉ की ना? यस सर वो कर लिया। हां सर पोजीशन लाइन कर दी फिर। सेकंड पोजीशन लाइन ये है आपकी, सेकंड पोजीशन लाइन कहाँ कट कर रही है? वहीं करीब करीब पास में कट कर रही है, दैट इज द फिक्स। ये एक पोजीशन लाइन, ये दूसरी पोजीशन, कहाँ कट रही है? वहीं कट रही है, लैटिट्यूड वही है, डिपार्चर आपका 0.3 सेंटीमीटर, हमने स्केल रखा है 1 सेंटीमीटर 2 माइल, तो इट विल कम टू 0.3 × 2 इक्वल टू 0.6 मिनट्स वेस्ट, ये डिपार्चर है। कन्वर्ट इंटू डी लॉन्ग क्या करोगे? 0.6 डिपार्चर डिवाइड बाय कॉस ऑफ 39 डिग्री 55 मिनट, कितना आ रहा है? करो 0.6 डिवाइड बाय कॉस ऑफ 39 डिग्री 0.78 ले लो, तो 0.8 मिनट्स वेस्ट आप इसमें से काटे, कौन सी पोजीशन से? जो या आप हम ये रेफरेंस ले रहे हैं, इसका लॉन्गिट्यूड कितना था? यू विल शो दैट लॉन्गिट्यूड, हमने दिखाया नहीं बट यू विल शो दैट लॉन्गिट्यूड, कितना है? 110 डिग्री 30 मिनट्स। ये 110 डिग्री 30 मिनट्स ये आपका रेफरेंस लॉन्गिट्यूड हो गया ईस्ट, माइनस 0.8 तो कितना हुआ? 110 डिग्री 29.2 मिनट्स ईस्ट, यही आंसर आएगा। ये आ रहा है ना, लैटिट्यूड तो वही है जो ये वही कट करा है, क्लियर? ये 0.3 जो डिपार्चर आया ना वो एक बार बता दो सर, वो सर डी लॉन्ग तो आप स्केल, हां 0.3 डिपार्चर आया, 0.3 कहां से आया? तो 0.3 किधर से मेजर किया? कौन सा मेजर किया सर? मेरा तो कोई स्पेस ही नहीं है मेजर करने के लिए, पूरा एक्चुअली उस पे कट रहा है लाइन पे। हां मेरा भी, आपका सर 0.3 आपका जो आया वो लिखो, ठीक है जिनका 0.3 आया उधर उनका कटा कहां से, मतलब वो एक बार समझ नहीं आ रही। भाई देखो यहाँ देखो, एक मैं यहाँ गया, वो कटा थोड़ा हिल गया होगा ना, बिकॉज मैनुअल कैलकुलेशन तो मैनुअल है। एक मिनट ये देखो यहाँ कट रहा है, तो ये मैं एनलार्ज कर दिया, तो ये थोड़ा ये देखो यहाँ कट रहा है, ये पोजीशन पे कट रहा है,
ठीक है, यहाँ देख रहे हो वो पॉइंट थ्री इसलिए ले लिया होगा, आप समझे ना, यहाँ कट रहा है, जिसका जीरो टेक जीरो, डोंट वरी अबाउट दैट। सर इस पर लॉन्गिट्यूड का आंसर बता देना बुक पे, कितना हम लोग पॉइंट, या तो 110 to 29.2 बुक से बता देना जहाँ से लिया सर आपने। नहीं ये मेरा क्वेश्चन है, बुक से नहीं, सब अब मेरा क्वेश्चन है ये। सी लॉन्ग 0.8 ईस्ट के आ रहा है सर, कितना आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है, 44.3 ईस्ट आ रहा है। 44 कहाँ दिया, ये लॉन्गिट्यूड 30 मिनट का है यार, ये 30 मिनट से कैसे आपको 44 होएगा। अच्छा मेरा प्लॉट बाहर आ गया ना, आपने गलत कर दिया होगा, उसमें स्केल गलत ले लिया होगा, स्केल गलत ले करके गलत प्लॉट कर दिया होगा सर। डीलॉन्ग करके आएगा ना, क्या हो गया सर, ये जो डीलॉन्ग निकालेंगे सर इसमें अब लैटिट्यूड कौन सा यूज करेंगे, यही सेम लैटिट्यूड यूज कर लेंगे, सेम लैटिट्यूड, कितना फर्क कि मीन लैटिट्यूड 39.5.1 यदि है आंसर नो प्रॉब्लम, सर वो दूसरे भाई, जहाँ पोजीशन लाइन काटते हो वही पोजीशन होगी ना आपकी, आप बेरिंग लेकर के डिस्टेंस लेते हो दो बेरिंग, तो आपको जहाँ पोजीशन लाइन काट रही है दैट इज योर फिक्स, यहाँ भी वही कर रहे हैं, ओनली थिंग यहाँ हमने सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन लिया, नाउ यहाँ सेलेस्टियल एक टेरेस्ट्रियल है, दोनों पोजीशन लाइन है, हाउ डज इट मैटर, दे आर पोजीशन लाइन, ओनली थिंग रिमेंबर व्हेन दिस टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्व बेरिंग इटसेल्फ इज पोजीशन लाइन, उसको प्लस माइनस 90 मत करो। हाँ बोलो अरे मेरे में जो कट रही है पोजीशन बिल्कुल भी सर जगह नहीं आ रही, तो डिपार्चर वगैरह तो जीरो ही आ जाएगा, तो पोजीशन में क्या फर्क पड़ता है, यू राइट डाउन जीरो, कहां से दो पैसा जो एक कोटी वाली आ जाएगी ना, हां जीरो आपका अगर तो हो ही हो गया सेम आंसर आएगा, फिर आपका वही आंसर होगा, क्यों होगा, डोंट कॉपी अदर्स, आप वहां तो साइड पे गो, जो चीज आपको आ रही है वो ही अब प्रैक्टिस करो, अपने आप ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको मैं बता रहा है ना कि मैं एक बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, विल डू दैट। ओके एक क्वेश्चन लेके जाओ, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठंडा पानी अरे माइक किसका खुला हुआ है, बंद कर लो यार, ये लो ये क्वेश्चन लो, इन डी आर 40 degrees 01 minutes नॉर्थ 110 to 30 minutes ईस्ट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड साइमल्टेनियसली, स्टार एल्डेब्रॉन ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड 110 degrees 34.2 minutes ईस्ट एजिमथ 120 degrees, ओके सेम पोलारिस ऑब्जर्व लॉन्ग फॉर 39 degrees 55.1 minutes नॉर्थ एजिमथ 002 degrees, फाइंड द शिफ्ट पोजीशन, ये लिखो सर, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है फिर हम डिपार्चर लेते हैं, तो रेफरेंस किसको बोलते हैं, इस लॉन्गिट्यूड को कि वो जहां पे इंटरसेक्शन हुआ, देखो आपका मान लो ये कोई मान लो पोजीशन लाइन कहीं यहां कट कर रही है, मान लो ये आपका ये पोजीशन लाइन यहां कट कर रही है, तो आप जो रेफरेंस जहां से आप ये मेजर कर रहे हो उसको रेफरेंस लॉन्गिट्यूड करो, आप यहां से मेजर इसको रेफरेंस लॉन्गिट्यूड करो, मान लो यहां से मेजर करते हो इसको रेफरेंस लॉन्गिट्यूड करो, ठीक है, You understand? जहां से आप मेजर कर रहे हो ये डिस्टेंस उसको रेफरेंस लॉन्गिट्यूड, और वो डिपार्चर को कन्वर्ट को डी लॉन्ग, फर्स्ट जो आप राइट साइड में लिखा उसको लिया रेफरेंस, तो मैं 3.2 जैसे आया अगर तो 3.2 नहीं ज्यादा मत, 3.2 ईस्ट बोलेंगे यहां, इधर वेस्ट आएगा ना, वो तो वेस्ट में होगा ना, एक मिनट कहां गया, नहीं एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, राइट साइड में मान लो आपने इधर से लिया, यहां से लिया आपने 3.2, तो 3.2 ये वेस्ट है ये ईस्ट है, ईस्ट हमेशा आपके राइट में होगा चार्ट पे, वेस्ट हमेशा आपके लेफ्ट में होगा, तो 3.2 वेस्ट होगा, आप इधर मेजर करते
तो ये ईस्ट हमेशा आपके राइट में है, यहाँ सो मच माइल टू माइल ईस्ट आया, तो टू माइल ईस्ट ऑफ दिस लाइन इधर राइट हैंड साइड में, इधर से होता तो वेस्ट होता, आंसर वही आएगा। समझे? जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन नोट करके करके लाइए, ये क्वेश्चन नोट करके ये करके लाइए, अगले फिर अगले में वी विल स्टार्ट विद द स्टैगर्ड। अभी साइमल्टेनियस के उसके कैप्टन सुब्रमण्यम की बुक के न्यूमेरिकल्स कर लीजिए सब, डू दोज न्यूमेरिकल, उसके लिए नॉटिकल एलमना की जरूरत नहीं है, जो भी 2008 और तुमने दिया हुआ है प्लीज डू ऑल दोज न्यूमेरिकल साइमल्टेनियस, आपको मास्टर होना चाहिए। आई एम ऑन लीव नेक्स्ट वीक, तो बाई दिस टाइम यू मस्ट प्रैक्टिस, देन वेन वील गो टू स्टैगर्ड, आई मीन दो स्टैगर्ड में, देन वील ट्रांसफर द पोजिशन। अभी यू डू दिस क्वेश्चन एंड कैप्टन सुब्रमण्यम के बुक से सारे न्यूमेरिकल कर कल उत्तर देंगे। ये क्वेश्चन लिख लिया सर? सर वो कुछ क्वेश्चन में वो साइट से ज्योग्राफिकल पोजीशन निकालने के लिए बोलता है, तो सर उसमें क्या करना होता है? कुछ साइट में जीपी सर वो जीपी पूछता है। हाँ, तो जीपी में भाई जीपी आपको बोल, जीपी क्या होता है भाई, व्हाट इज जीपी? मान लो कोई सेलेस्टियल बॉडी यहाँ है, ये सेंटर है, ओके, ये इक्विनॉक्शियल है, ये सेंटर होगा, इक्विनॉक्शियल है, ओके। Now GP, what is GP? Geographical position is the position on the earth when the line drawn from center of the earth to the body in intersect the surface of the earth. So that point is GP. Now that can be given, ye kya hai? What is this? Ye equinoxial hai, ye kya hai? What is this? Declination hai na? Declination. Okay. That will give you the latitude. Okay. Now to know the longitude, we know the GHA. GHA मालूम longitude मिल जाए कि नहीं? भाई GHA है 20, तो longitude होगा 20 degrees west. GHA है 40, longitude होगा 40 degrees west. GHA है 179, longitude होगा 179 degrees west. GHA है 181, longitude होगा 179 degrees east. Because GHA आप ये Greenwich है. लॉन्गिट्यूड ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे मेजर करते हैं 180 डिग्री, यहाँ से जीएचए शुरू हुआ 180 तक ठीक था वेस्ट, ओके, जहाँ आपने से 220 मतलब ये आपका लॉन्गिट्यूड होगा बॉडी का, ज्योग्राफिकल पोजीशन होगा, तो द डेक्लिनेशन विल गिव द लैटिट्यूड एंड जीएचए विल गिव द लॉन्गिट्यूड। बात समझे ना? यस सर, ओके। तो यू विल गेट, यस सर, आप जीएचए निकालो उसमें, उसमें फिर आपको जीएचए बॉडी का निकालना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड डेक्लिनेशन निकालना पड़ेगा, दैट विल गिव द लैटिट्यूड, दैट इज जीपी ऑफ द बॉडी। ज्योग्राफिकल पोजीशन इज द पोजीशन प्रोजेक्शन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कहां से होगा? व्हेन द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द बॉडी, जहां सरफेस पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज द जीपी ऑफ द बॉडी। दिस इज डेक्लिनेशन, मान लो ग्रेनिट जीए, तो ये जीएचए हो गया, तो जीएचए विल गिव यू लॉन्गिट्यूड एंड डेक्लिनेशन विल गिव यू लैटिट्यूड, सिंपल, ठीक है? वी स्टॉप, इन क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? यस सर, नोट कर लिया। ठीक है, चलो विल कोर्स, अभी तो उसके बाद कोई क्लास नहीं, प्लीज प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस इसमें जो भी हो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी कैन हैव अ क्लास ऑन दैट सैटरडे, वो ग्रुप बना है उसमें आप भेज दीजिए, दिन एक घंटा क्लास ले लूँगा, ओके, बट नेक्स्ट वीक आई एम ऑन ब्रेक, ठीक है? तो लीजिए, बट यस सैटरडे तक, फ्राइडे सैटरडे सैटरडे को भी इफ यू वांट टू हैव अ क्लास कुछ है, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, हम लोग आ करके और उस पर हम घंटे की क्लास, जिसको डाउट वगैरह है, ठीक है? एक मिनट जूम पर मैं बुला लूँगा, जूम पे आई सेंड यू दैट ID पासवर्ड and you can come, so jinko doubt hoga you can clear that, is that okay?